हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे द ग्रेट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जीएस खुरिया के बारे में और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सोशियोलॉजी के विकास में, डेवलपमेंट में, उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जीएस खुरिया जो है ही कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। जो पहला कोई भी कंसिडरेबल योगदान जो है किसी अगर इंडियन ने सोशियोलॉजी में दिया था तो वो जी एस खुरिया ही थे। इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो पीजी का टीचिंग डिपार्टमेंट खुला था सोशियोलॉजी का, उसको 35 साल तक 35 ईयर्स तक हेड किया था। 35 लॉन्ग ईयर्स तक ही वॉज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एट द बॉम्बे यूनिवर्सिटी। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी ही वो पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी खुला था। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की, ही फाउंडेड द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। और उसके बाद उसका एक जर्नल निकाला, उस जर्नल का क्या नाम था? द सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। अब इन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न थीम्स पे कई बातों पे लिखे जो कि भारत की परिवेश पे, कस्टम्स पे, चीज़ों पे वो उन्होंने प्रकाश डाला अपनी राइटिंग से। अब इसमें इन्होंने क्या इंक्लूड, सबसे ट्राइब्स, किनशिप, फैमिली एंड मैरिज, कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्टोरिक रूल्स ऑफ सिटी, रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसके। लेकिन जो इनका सबसे मेन था वो था ट्राइब्स और कास्ट एंड रेस। मेन जो है उनका जो था वो है कास्ट एंड रेस। इसके अलावा जो ये सारी जो चीज़ें थी ये जो है इन पर भी इन्होंने बहुत ही ब्रॉड रेंज में बहुत ही एक्सटेंसिवली लिखा था, लेकिन जो बेस्ट ही वॉज नोन फॉर कास्ट एंड रेस। अब गोविंद सदाशिव खुरिया जो हैं, इनका जो पहला मेजर थीम जो था जिसपे इन्होंने काम किया था, डेट वॉज ऑफ एबोरिजिनल कल्चर। एबोरिजिनल मीन्स द प्रिमिटिव कल्चर, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स होती हैं, प्रिमिटिव लोग होते हैं ट्राइब्स, तो ट्राइबल कल्चर के बारे में इन्होंने इनका पहला मेजर अध्ययन था। अब इस पे इनकी किससे बहस हुई? वरियर एल्विन से। वरियर एल्विन जो है इसमें इनसे इनकी अच्छी खासी बहस हुई। उन्होंने 1930s और 40s में, 1930 और 40 के दशकों में ये बताया कि किस तरीके से ट्राइबल सोसाइटी को हम लोगों को इंटरप्रेट करना चाहिए और किस तरीके से उस वक्त की जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार उसे किस तरीके से ट्राइबल सोसाइटी की ओर अप्रोच करना चाहिए था। ब्रिटिश जो उस वक्त थे उनका मेन इंटरेस्ट क्या था, वो किस तरीके से ट्राइब्स को देखते थे कि ट्राइब्स जो है वो कभी भी हिंदुइज्म के, हिंदू विचारधारा के हिस्सा नहीं थे। दे वर नॉट लाइक द मेन स्ट्रीम हिंदू। ब्रिटिशर्स बिलीव दैट उन्हें जो है हिंदू कल्चर से, सिंस दे वर एक्सप्लॉयटेड, जब वो कॉन्टैक्ट में आए हिंदू कल्चर से तो उन्हें एक्सप्लॉयट किया गया, और सिंस दे वर इनोसेंट दे सफर्ड एक्सप्लॉयटेशन, और उनका जो कल्चर है वो भी डिग्रेड हुआ। इसीलिए दे फेल्ट, द ब्रिटिशर्स फेल्ट दैट इट वाज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द ट्राइब्स एंड टू हेल्प देम सो दैट दे कैन सस्टेन देयर वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर, बिकॉज दे वर फेसिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर टू assimilate विद द मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर। लेकिन यहाँ पे जो नेशनलिस्ट इंडियन थंकर्स भी थे जिसमें से जी एस खुरिया सुप्रीम थे, दे डिफर्ड। उन्होंने कहा कि जो ट्राइब्स थे दे वेर एन इंटीग्रल पार्ट, वो एक हिस्सा थे भारतीय सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी के। उन्होंने कहा कि बातें ये लोग कर रहे थे ब्रिटिशर्स, दे वेर मिसगाइडिंग। ये लोग क्या कर रहे थे कि इट मे रिजल्ट इन मेंटेनिंग ट्राइबल्स इन अ बैकवर्ड स्टेट और म्यूजियम ऑफ प्रिमिटिव कल्चर। तो इनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व करने से इनका ये मतलब था ब्रिटिशर्स का, जैसा कि हमारे जो नेशनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे उनका कहना ये था कि उनकी जो आइडेंटिटी प्रिजर्व करने से उनका मतलब ये था ब्रिटिशर्स का कि उनको उसी बैकवर्ड स्टेट में रहने दिया जाए या उनके प्रिमिटिव अवस्था में छोड़ दिया जाए। जी एस खुरिया ने ट्राइब्स को बैकवर्ड हिंदूज के रूप में देखा। ये उसी गति से आगे नहीं बढ़ पाए
और भारतीय सोसाइटी में उसी तरीके से उनका जो विकास जो है नहीं हो पाया, जिस तरीके से कई और जातियां जो हैं वो पीछे छूट गई। तो दे वर जस्ट सिंपली फर्दर बिहाइंड इन द सेम प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन डेट ऑल इंडियन कम्युनिटीज गॉट थ्रू। तो उसमें कुछ पीछे हो गई, कुछ आगे हो गई, लेकिन द इंडियन ट्राइबल्स वेर हार्डली एवर आइसोलेटेड प्रिमिटिव कम्युनिटीज, एक कभी भी आइसोलेटेड नहीं थी और इस बात पे कभी कोई डिस्प्यूट नहीं था। घुरे ने यह भी बात कही कि ये जो इस तरीके की जो भावनाएं हैं जो कि ब्रिटिश कर रहे थे, तो इट विल रिजल्ट इन द सीवियर एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एक्सटिंक्शन ऑफ द ट्राइबल्स, ये ब्रिटिशर्स ने कहा। तो घुरिये ने इस पे आर्ग्यू किया कि इल इफेक्ट्स जो है डेट वेर नॉट स्पेसिफिक टू ट्राइबल कल्चर्स बट वेर कॉमन टू ऑल द बैकवर्ड एंड डाउन ट्राउडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो जैसे कि जो प्रोटेक्शनिस्ट या जो ब्रिटिशर्स ने इनको स्पेसिफिक वो किया, लेकिन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इनको बैकवर्ड और डाउन ट्राउडन सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी के साथ एक में एक सूत्र में पिरोया। तो उन्होंने कहा कि ये जो है जरूर बाधाएं हैं भारतीय समाज के विकास में, तो अगर भारतीय समाज का विकास होना है तो जनजातियों का भी विकास होना आवश्यक है। अब इसके बाद जो आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम है, डेट इज घुरिये ऑन कास्ट एंड रेस। कास्ट एंड रेस जो है इनकी जो सबसे फेमस बुक है, 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1932 में, एंड दिस वर्क अट्रैक्टेड अटेंशन बिकॉज ऑफ द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। पहली बार जो है किसी एक इंडियन ने एक मेजर एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क किया था। अब इस बुक में घुरिये ने एक डिटेल क्रिटिक प्रोवाइड किया उस वक्त की जो डोमिनेंट थ्योरीज थीं जो कि एग्जिस्ट करती थीं रेस और कास्ट के बारे में। तो जो डोमिनेंट थ्योरीज होती वो ब्रिटिशर्स की थ्योरी को रिप्रेजेंट करती थीं। अब इसका जो मेन प्रोपोनेंट कौन था डोमिनेंट थ्योरी का, ही वॉज हर्बर्ट रिस्ले। हर्बर्ट रिस्ले ने कहा कि जहां तक एंथ्रोपोलॉजी मैटर करती है तो उस हिसाब से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको डिस्टिंक्ट और सेपरेट रेस में डिवाइड किया सकता है बेस्ड ऑन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे उनको डिफरेंट रेसेस में बांटा जा सकता है, जैसे BMI इंडेक्स, इसके अलावा जैसे सर्कमफेरेंस ऑफ स्कल, लेंथ ऑफ नोज, वॉल्यूम ऑफ क्रेनियम, या जो पीछे का जो पार्ट होता है ब्रेन का जहाँ पे ब्रेन लोकेटेड होता है। इसके अलावा रिस्ले जो ने कहा कि जो कास्ट का ओरिजिन था और रेस का जो ओरिजिन था वो एक ही था, मतलब कास्ट जो है उसका ओरिजिन रेस में ही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं वो डिस्टिंक्ट रेशियल टाइप्स के हिसाब की दिखती हैं, मतलब जो बड़ी कास्ट है उनका जो रंग है वो फेयर होता है, छोटी कास्ट है उनका जो रंग है वो उतना फेयर नहीं होता है, मतलब उन्होंने उस हिसाब से क्लासिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने ही बिलीव डेट इंडिया वॉज अ यूनिक लेबोरेटरी फॉर स्टडिंग द इवोल्यूशन ऑफ रेशियल टाइप्स, मतलब उन्होंने इस इंडिया को यूनिक लेबोरेटरी की संज्ञा दी, बिकॉज कास्ट जो है इट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इंटर मैरिज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सेंचुरीज। तो ये एक उनका व्यू पॉइंट था। अब घुरिये ने इसको पूरी तरीके से रिफ्यूट नहीं किया। घुरिये ने इस कहा कि इस आर्ग्यूमेंट जो है ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन इट इज फ्लॉड इन नेचर, पार्शली करेक्ट है, पूरी तरह नहीं। उन्होंने कहा था कि प्रॉब्लम कहां लाई करती है, प्रॉब्लम ये लाई करती है कि ये भारत के कुछ हिस्सों में ही सही है, हर जगह ये चीज नहीं है। दिस थीसिस ऑफ रिस्ले वाज नॉट ट्रू इन पैन इंडियन। उन्होंने क्या कहा घुरिये ने कि जो अपर कास्ट जो थे, जैसा कि रिस्ले थीसिस के हिसाब से जो अपर कास्ट आर्यन थे और लोअर कास्ट नॉन आर्यन, ये जो थोड़ा बहुत जो ट्रू था ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में था, भारत के अन्य पार्ट्स में द इंटर ग्रुप डिफरेंसेस इन अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स
वर नॉट वेरी लार्ज, तो उसमें जो वेरिएशंस थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे, तो इसलिए इस हिसाब से उनको कास्ट और रेस को एक में देखना ये उचित नहीं है। तो रेशियल प्योरिटी जो है इट हैड बीन प्रिजर्व्ड ड्यू टू द प्रोहिबिशन ऑन इंटरमैरिज ओनली इन हिंदुस्तान प्रॉपर, जिसको कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया का नाम दिया जी एस घुरिया ने, जो कि रेशियल प्योरिटी की बात आती थी। इन द रेस्ट ऑफ कंट्री द प्रैक्टिस ऑफ एंडोगैमी, मतलब एंडोगैमी का मतलब क्या होता है, मैरिंग ओनली विद इन अ पर्टिकुलर क्लास ग्रुप या कास्ट ग्रुप, मैरिंग विद इन अ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप मे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू ग्रुप्स दैट वर ऑलरेडी रेशियली वेरीड। तो मतलब पहले से ही उन रेसेस में जहां पे ये वेरीड था उनमें एंडोगैमी को हो सकता है कि इंक्लूड किया गया हो। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट, घुरिया ने अफोर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ कास्ट, ही एम्फसाइज बेसिकली ऑन सिक्स फीचर्स ऑफ कास्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है, एक साल के अंतराल के बाद ये एग्जाम में जरूर आता है, तो प्लीज पे वेरी अटेंशन ऑन इट, एंड इट इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। तो द फर्स्ट थिंग इज अकॉर्डिंग टू घुरिया दैट कास्ट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच इज बेस्ड ऑन सिगमेंटल डिवीजन। जो कास्ट सोसाइटी है ये डिवाइड होती है किसे, नंबर ऑफ क्लोज्ड और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिगमेंट्स या कंपार्टमेंट में, जैसे दो डिब्बे हैं अलग अलग, उस हिसाब से कास्ट सोसाइटी डिवाइडेड है, मतलब एक कास्ट एक डिब्बा, दूसरा कास्ट दूसरा डिब्बा कंपार्टमेंट्स में। इट इज हर हर जो डिब्बा है वो एक कास्ट को प्रदर्शित करता है। अब इट इज क्लोज बिकॉज कास्ट इज डिसाइडेड बाई बर्थ, एस्क्रिप्टिव है, एस्क्रिप्टिव इन नेचर। द चिल्ड्रेन बॉर्न टू पेरेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट विल ऑलवेज बिलोंग टू दैट कास्ट ओनली। ऑन द अदर हैंड देर इज नो वे अदर देन बर्थ ऑफ एक्वायरिंग कास्ट मेंबरशिप, मतलब कास्ट की मेंबरशिप को एक्वायर करने का और कोई तरीका नहीं है बर्थ के अलावा। इन शॉर्ट अ पर्सन कास्ट इज डिसाइडेड बाई बर्थ एट बर्थ, जो वो जन्म लेता है उसका कास्ट जो है वो डिसाइड हो जाता है, इसे ना अवॉइड किया सकता है नहीं चेंज किया सकता है। अब आते हैं सेकेंड, उनके हिसाब से कास्ट सोसाइटी जो है इट वॉज बेस्ड ऑन हायरार्किकल डिविजन, हायरार्किकल डिविजन, अकॉर्डिंग टू हिम द कास्ट सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन हायरार्किकल डिविजन। अब इनके हिसाब से हर कास्ट जो है या तो ऊपर है या लोअर है दूसरी कास्ट से, बराबर नहीं हो सकती है। तो यानी कि इन थ्योरी नो टू कास्ट कैन एवर बी इक्वल, ये उनका दूसरा पॉइंट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका जो तीसरा पॉइंट है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट नेसेसरली एम्फसाइजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल इंटरेक्शन स्पेशली शेयरिंग ऑफ फूड्स। अब इसके बाद उन्होंने कहते हैं कि देर आर एलेबरेट रूल्स प्रिस्क्राइबिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ फूड मे बी शेयर्ड बिटवीन विच ग्रुप्स, जैसे कि ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि मांस जो है मांसाहार निषेध है, तो ये जो फूडिंग हैबिट्स हैं ये भी प्रिस्क्राइब करती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से कास्ट जो है वो गवर्न करता है। दीज रूल्स आर गवर्न बाई आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, इसमें ये जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन जो है इसका जो आइडिया है ये एक प्रोमिनेंट भूमिका अदा करता है। द सेम अप्लाइज टू सोशल इंटरेक्शन, यही चीज जो है यही बात सोशल इंटरेक्शन पे भी अप्लाई करती है, मोस्ट ड्रामेटिकली इन इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि जाके सबसे ज्यादा जो इसका जो रूप है कहां पे प्रदर्शित होता है, अनटचेबिलिटी में, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है। वेयर इवन द टच ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर कास्ट इज थॉट टू बी पोल्यूटिंग, मतलब जहां पे अगर किसी नीची जाति के आदमी से अगर उसका छुआ भी हो गया तो समझ लीजिए कि आदमी पोल्यूटेड हो गया एक बड़ी कास्ट का। तो दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, द रूल्स वेर गवर्न बाई द आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। अब इसके बाद चौथा, फॉलोइंग फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की एंड रिस्ट्रिक्टेड सोशल इंटरेक्शन, कास्ट जो है वो इट ऑल्सो इन्वॉल्व डिफरेंशियल राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर डिफरेंट कास्ट, चूंकि हायरार्की जो है उसके हिसाब से कास्ट अरेंज है, तो हर
कास्ट के लिए अलग अलग राइट्स होती हैं, अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। सब कास्ट के पास उतनी ही राइट्स नहीं होती हैं, कुछ के पास राइट्स कम होती हैं तो ड्यूटीज ज्यादा होती हैं, और जिनके पास ड्यूटीज कम होती हैं उनके पास राइट्स ज्यादा होती हैं। तो दीज राइट्स एंड ड्यूटीज पर्टेन नॉट ओनली टू रिलीजियस वर्ल्ड बट एक्सटेंड टू द सेक्युलर वर्ल्ड ऑल्सो। एज एथनोग्राफिक अकाउंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ इन कास्ट सोसाइटी हैव शोन, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट आर गवर्न्ड बाय दीज रूल्स। अब पचवें पे आते हैं कि कास्ट रिस्ट्रिक्ट्स चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, इट इज डिसाइडेड बाय बर्थ, और ये हेरिडेटरी होता है। इट इज हेरिडेटरी। एट लेवल ऑफ सोसाइटी कास्ट फंक्शंस एज अ रिजिड फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखिए डिवीजन ऑफ लेबर से भी इन्होंने यहां पे कि एट द लेवल ऑफ सोसाइटी कास्ट फंक्शन एज अ रिजिड फॉर्म ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस बीइंग एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कास्ट। मतलब एक जो ब्राह्मण है उसका काम है शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम है लड़ना, वैश्य का काम है व्यापार करना, और शूद्र का काम है इन बाकी के तीन लोगों की सेवा करना। तो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन जो है दे हैव बीन एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कास्ट। अब जो छठवां है जो अंतिम और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। कास्ट एंडोगैमी और मैरिज only within caste was to be understood alongside exogamy or whom not to marry। अब अगर कास्ट एंडोगैमी आपको समझनी है जिसमें मैरिज भी एक है तो उसको इस तरीके से समझना होगा कि किससे मैरिज करे और किससे नहीं करे। जब तक किससे नहीं करे आप नहीं समझेंगे, मतलब exogamy, तब तक आप किससे करे ये नहीं समझ पाएंगे। अब ये जो कॉम्बिनेशन है कास्ट एंडोगैमी और कास्ट exogamy का of rules about eligible and non-eligible groups helps reproduce the caste system। और ये जो इन दोनों का जो बीच के का इंटरप्ले है ये लगातार जो है इस caste system को आगे बढ़ाने में या गतिमान रहने में चलायमान रहने में मदद करता है। तो friends, इस प्रकार जी एस घुरिया ने बहुत ही conceptual definition में of caste दिया। हालांकि एक्चुअल प्रैक्टिस में मेनी ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कास्ट आर चेंजिंग दो ऑल ऑफ देम कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन सम फॉर्म। अभी भी सारे ही जो फीचर्स ऑफ कास्ट है कुछ ना कुछ फॉर्म में जरूर एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल टॉक अबाउट सम अदर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। टिल देन थैंक यू for watching this episode। Please do like and watch our channel। Thank you।